बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो लोगों की मदद करें, बीजेपी कांग्रेस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही मजदूरों की असली गुनहगार है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अभी से कुछ ही देर पहले ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आजादी के बाद लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव और शहरों में की होती तो आज दूसरे राज्यों में उन मजदूरों को पलायन करना नहीं पड़ता। वैसे ही वर्तमान में कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने वाले संबंधी जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, ये वीडियो देखने पर साफ पता चलता है कि ये हमदर्दी वाला कम और नौटंकी वाला ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर ये बताती कि उसने उन लोगों से मिलते समय कितने लोगों की हकीकत में मदद की तो बेहतर होता। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र व राज्य की सरकारें कांग्रेस के पद चिन्हों पर ना चलकर अगर इन बेहाल घर वापसी कर रहे मजदूरों को उनके घरों पर सही रोजी रोटी की सही व्यवस्था करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की नीति पर अमल करती तो फिर आगे ऐसी दुर्दशा उन्हें शायद कभी नहीं झेलनी पड़ती। बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी मेरी अपील है कि जिन प्रवासी मजदूरों को उनके घर लौटने पर उन्हें गांव से दूर अलग थलग रखा गया है, उन्हें उचित सरकारी मदद नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों को अपना मानकर उनकी बरसक मानवीय मदद करने का प्रयास करें। मजलूम ही मजलूम की सही तरीके से मदद कर सकता था। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके की हरकत का वीडियो डाल रहे हैं वो नौटंकी वाला नजर आ रहे हैं, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इसके अलावा बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की सही से मदद नहीं कर रही है, अगर सही से मदद करती तो लोग आज इस तरीके से मजबूर नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद की है कि वो लोग जितने भी लोग प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं उनकी मदद जरूर करें। एपीयू न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। ये मिक्स सब्जी है सब, ये इसलिए ढक के रखा हुआ है कि कोई भी नए कपड़े यूज करते हैं हम लोग और फिर इनको बाद में और हम दिखाई देंगे तमाम कपड़े में मेरे लाग रखे हुए और तमाम काम मसाले हैं। चावल अच्छा है, ये चावल बासमती है, आटा चक्की का है जी, है उधर 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 रखा, जहाँ पूरी बन रही, अच्छा जहाँ पूरी बन रही वहाँ पे पूरी अलग बन रही है। जी हम फॉर्च्यून का रिफाइंड यूज कर रहे हैं। अच्छा फॉर्च्यून रिफाइंड यूज जी। चावल हम 1121 एक्सपोर्ट क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि आने के जो ना कर रहे हैं लगभग युगों की जो चीज़ें अच्छी है लगभग पूरे दिल्ली में पड़ने को नहीं रोटी इसलिए नहीं लगा रहे हैं नान की वो ठंडा होने के बाद थोड़ी खाने में सख्त हो जाता है, दिक्कत है, इसीलिए हमने पूरी का इंतजाम किया है। अब उधर पूरी बन रही है हमारी, दिखाता हूँ आपको ना, पूरी के लिए अलग रसोई बना रखी। ये हमारा यहाँ आटा दाल वगैरह रखी रहती है, यहाँ पे रोज गाड़ी चलती रहती है, आप बनता रहता है। ये बेसन है, राजधानी का बेसन है, अब हम यूज कर रहे हैं बेसन भी, राजधानी का यूज कर रहे हैं।
हिंदुस्तान में सबसे अच्छा बेसन है। ये आटे के हैं पैकेट्स, आटे की शॉर्टेज है चूंकि बाजार में, तो अलग अलग ब्रांड का आ रहा है, तो का आ रहा है।